जी सच सच बताओ, क्या एमल उम्मीद से है? जी अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अफान से पूछ लीजिए। अफान से मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो तो आजकल तुम्हारी जबान बोलता है, जैसा तुम कहोगी वो तो वही बोलेगा। अगर आपको फिर भी शक है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए या फिर रिपोर्ट्स देख लीजिए। रिपोर्ट्स मंगवा कर अपनी तसल्ली करूंगी, कहीं एमल और तुम शहरयार की शादी रुकवाने के लिए कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? इस बात का ड्रामा कोई कैसे कर सकता है मम्मी, कुछ दिनों बाद तो वैसे ही हकीकत पता चल जाएगी। ये तो है, क्यों ना हम आज शाम को एक छोटी सी दावत का इंतखाब करें, चंद खवातीन को बुलाकर। कैसी दावत? मम्मी मैं चाहती हूँ कि हम आपस में एक घर में ना एक गोद भराई की रस्म करें, उससे वो बहुत खुश हो जाएगी। पहले ही औलाद को लेके उसकी कम इंसल्ट नहीं हुई है, अब इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद तो उसको उसका मुकाम वापस मिलना चाहिए ना, और ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। जो कुछ तुम दोनों ने किया है उसके बाद ये सब बनता तो नहीं। अब इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो एमल का इतना हक तो बनता है। शुक्रिया मम्मी, और मेरी और अफान की तरफ से भी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मगर मैं तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी, मेरी बहन पर हाथ उठाया उसने। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, दुर्दाना खाला को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ मैं उनकी तरफ से आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ, ज्यादा मेहमान मत बुलवाना, सादगी से दावत करेंगे। और हाँ, एमल के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेना, बहुत बुरा हाल बना रखा है उसने अपना। जी ठीक है।